अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार ने छूटे भूखंड की खरीदी से न सिर्फ रोक हटा दी है बल्कि सरकार ने डायवर्सन प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। सरकार ने डायवर्सन की प्रक्रिया को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में ला दिया है, मतलब अब 15 दिनों के भीतर ही काम पूरा करना होगा। सरकार के इस निर्णय ने प्रदेश में छोटे भूखंड की डायवर्सन प्रक्रिया की समस्या झेलने वालों को एक बड़ी राहत दे दी है। रिपोर्ट देखिए। भूपेश सरकार ने प्रदेशवासियों को हर स्तर पर राहत देने की अपनी कोशिश में अब एक बड़ी राहत छोटे भूखंडधारियों और उसे खरीदने वालों को दी है। सरकार ने डायवर्जन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में 5000 वर्ग फीट तक के छोटे भूखंडों का डायवर्जन हो सकेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया के सरलीकरण पर जोर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री को लगातार इससे जुड़ी शिकायत मिल रही है। सरकार ने तत्काल निराकरण के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित किया है। वहीं सरकार ने इस प्रक्रिया को अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में भी ला दिया है, मतलब इससे संबंधित प्रक्रिया का निराकरण विभाग को 15 दिनों के भीतर में करना होगा। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, डायवर्सन और नामांतरण के जो प्रकरण है बहुत दिनों से लंबित रहता था। अब हमारी सरकार चाहती है, माननीय भूपेश बघेल जी ने निर्देश दिया है कि नामांतरण की जो प्रक्रिया है वो समय सीमा में होना चाहिए और जो भूखंड है उनका डायवर्सन कराते हैं तो डायवर्सन में जो समय लगता था वो समय अब ज्यादा मत लगे, समय सीमा के अंदर ये काम हो और अगर कोई अधिकारी इसमें विलंब करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिससे अब इस प्रक्रिया को सरलीकृत भी किया गया है कि लोगों को नामांतरण के लिए महीनों और सालों और डायवर्सन के लिए सालों का समय लगता था, वो बहुत कम समय में निर्धारित समय अवधि में होगा, जिसका लाभ लोगों को होगा। सरकार के इस फैसले से आम लोग बेहद खुश हैं। वहीं जमीन खरीदी बिक्री का कारोबार करने वालों ने भी इसका स्वागत किया है। लोगों में अब भी छोटे भूखंडों के डायवर्जन कराने में अनेक तरह की समस्याएं आती थी। डायवर्जन की प्रक्रिया आसान न होने से लोग छोटे भूखंड चाह कर भी नहीं खरीद पाते थे, लेकिन भूपेश सरकार ने ऐसे लोगों के लिए अब राह आसान बना दी है। जमीन लड़का के नाम में जैसे करना है तो पहले इधर उधर ज्यादा दौड़ धूप करने लगा, अब मतलब सरकार जो एक नियम बना है तो अच्छा है, ज्यादा परेशानी नहीं लगा। वैसे मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी संज्ञान लिया है कि रजिस्ट्री के आधार मात्र पर भूमि के क्रेता के नाम पर नामांतरण करने के निर्देश करने के बाद भी अब भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों को इनके निराकरण विलंब दूर करते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिकारियों से राज्य में नामांतरण के लंबित प्रकरणों की 15 दिनों के भीतर समीक्षा कर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वास्तव में सरकार की ये तमाम प्रयास यह बताने के लिए काफी हैं कि जो जनहित में काम करे वही असल मायने में लोकतांत्रिक सरकार है। सत्यपाल सिंह राजपूत के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।